सर जब आप स्टेज पे जाते हैं मंच पे तो ऑब्वियसली एक सेट ऑफ आपके सॉन्ग्स होते हैं या गजलें होती हैं कभी मन में होता है ना सर कि मैं आज मेरा मन में है कि काश ऐसा कोई मंजर होता सुनाऊंगा लेकिन बीच में से सडनली कोई उठ गया हो सर जी कजरा रहे ऐसा होता है आपके साथ सर अरे बिल्कुल फिर क्या करते हैं आप मैं अपना जो गाना है गा देता हूँ डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा चौपट हो जाते हैं एक्चुअली प्रोग्राम जो है तो कहता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कजरारे तक पहुँचूंगा मैं अभी ये गा लेता हूँ आपने ये मेरे साथ हुआ है अच्छा जी सही में आपने ये जो बात कही ना कि बहुत सालों पहले की बात है कम से कम 25 साल पहले की बात अच्छा जी तो मैं गा रहा था वहाँ पे और ओपन एयर पब्लिक शो था और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें से मैंने 2-3-4 गज़लें गाई होगी तो एक साहब आए और मुझे कान में कह गए कि भाई फलां फलां गज़ल है अभी सुना दो तो एक कलाकार का अपना मूड होता है आप जानते हैं तो मैंने कहा क्यों अभी सुनाऊं भाई मैं किसी का गुलाम तो हूं नहीं कि कोई मुझे कहे अभी सुनाओ तो अभी सुनाओ गुलाम अली साहब वो तो सुना भी थे वो तो गुलाम आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैंने कहा मैं सुनाता हूं जी थोड़ी देर के बाद फिर से आए कहने लगे वो सामने साहब बैठे उनकी फरमाइश है अच्छा जी तो सामने देखा एक साहब बैठे हुए हैं एकदम बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे सामने बैठे हुए हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि भाई सुनाने वाला हूँ बट इतनी जल्दी क्या है उनको तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो उन्होंने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला हुआ था और यूं कर रहे थे ओहो उसके बाद मेरी जो आदत हुई है सुनाते अच्छा मेरे प्रोग्राम में एक ने फरमाइश की अनूप जी वो ऐसी लागी लगन सुना दीजिए तो मैंने कहा बिल्कुल सुनाते हैं और मैंने जैसे शुरू किया वो बाहर चले गए अरे क्यों और जब मैंने खत्म किया तो आए मैंने कहा ये क्या हुआ यार तुमने फरमाइश की कहता मैंने तो सुना हुआ मैं चाहता था ये लोग सुने एक बार तो हरी सर ने किस्सा सुनाया था कहते कोई बहुत बड़े गजल सिंगर गा रहे थे तो सामने कोई बैठ गया ऐसे आके और वो अपने लय में गा रहे हैं तो उनको देख के आता है ऐसे नहीं ओह गॉश और फिर नाराज हो गए सिंगर मतलब बदतमीज ये क्या कर रहे हो ग्रीन रूम में लेके गए एक थप्पड़ मारे क्या क्या कर रहे हो तुम सर मैं आपका फैन हूँ मैं कह रहा था कि थोड़ा जवाब नहीं है मार रहे आप पर अच्छा सर लाइव कॉन्सर्ट्स में कितने सारी ऐसी चीजें होती है ना कि जिनको बाद में सोच के तो हंसी आती लेकिन उस समय तो एकदम से दिमाग खराब हो जाता कि यार ये क्या हो क्या रहा है कई बार कोई लफड़ा हो गया कोई साउंड का पंगा हो गया या ऑडियंस में से किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जैसे अनूप सर आपके तो फिर भी वो डिसेंट वाले आते होंगे ना ज्यादातर भजन गाते हैं जब बाद में फिर फल फूल लेके आते हैं आपका डिनर तैयार है हाँ पर आई एम श्योर पंकज सर आपके तो वहां पे पीवी के भी आते होंगे क्योंकि आपने इतना गजलें वैसी वाली भी गाई हैं मैंने तो ये गाया कि थोड़ी थोड़ी पिया करो मैंने कभी कहा ही नहीं कि पियो पर हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग है ना जैसे आप पंजाब में कहोगे थोड़ा तो हमारा थोड़ा इतना होता है रिएक्शन कमाल होता है जब कोई गा रहा है ना ऑडियंस का तो कोई वाह क्या बात है वाह कुछ छेड़िए ना कुछ ऐसे कुछ सुर छेड़िए ना कुछ रिएक्शन होते हैं सागा मद मग सनी धनी मबदा सनी सदा मग गमद ग सनी सदा धनी सग धनी सग धनी सग पूरा क्या बात है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़